नमस्ते दोस्तों, फूड विस्टा चैनल पर आप सभी स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बनाऊंगी बाटी चोखा। तो जो सामग्री लिए हैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो हम लिए हैं बैंगन, टमाटर, आलू, मिट्टी के बर्तन, मसाला, लहसुन, हींग, अजवाइन, सेत्तू, हरी धनिया पत्ती, हरा मिर्च, प्याज, अदरक, नींबू। तो आग को हम जला लिए हैं, अब चूल्हे पर रख देती हूँ कढ़ाई। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, हम जीरा से भून लेती हूँ। तो आज का वीडियो हमारा शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलाते हुए जीरे के हम भून लेती हूँ। हम प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो हम घी के गरम कर लिए हैं, तो हम चने के बेसन अच्छे से भून लेती हूँ। तो चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। तो चना का बेसन हम अच्छे से भून लिए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं ब्राउन कलर का हो चुका है। तो हम प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो मिट्टी के बर्तन लिए हैं, तो हम इसमें आलू के डाल देती हूँ। तो यहीं में आलू हम भूनेंगे। तो आलू के हम भर लिए हैं, अब हम पलट देती हूँ। आलू के साथ में हम बैंगन के भून लेती हूँ। तो साथ में हम टमाटर के भून लेती हूँ। तो हम बाटी बनाने के लिए सारे सामग्री के मिला लेती हूँ। तो लिए हैं सत्तू और चना का बेसन। तो सारा मसाले हम तैयार कर लेती हूँ। भुने हुए जीरा, अदरक, प्याज, मिर्चा, लहसुन कटे हुए डाल देती हूँ। तो थोड़ा सा मसाला डाल देती हूँ, अजवाइन, तो स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। तो हम नींबू को काट लेती हूँ। तो नींबू हम काट लेती हूँ, स्वाद बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, खाने में टेस्टी रहेगा। तो हम अच्छे से मखनी की लिट्टी बनाने के लिए तैयार कर ली हूँ मसाला। तो हम थोड़ा देर के लिए ढक के रख लेती हूँ। तो बाटी बनाने के लिए हम साथ में आटा के गूंथ लेते हैं। तो आटे के हम गूंथ लिए हैं, तो थोड़ा देर के लिए ढक देते हैं। तो बाटी बनाने के लिए हम लोई के काट लेती हूँ। तो हाथ के सहारे हम चकई के घुमा लेती हूँ। तो इसमें अच्छे से हम मखने के भर देती हूँ। तो इस ही तरीके से हम सारे लिट्टी के बना लेंगे। तो यही तरीके से हम बाटी के बना लेती हैं। तो यही तरीके से हम सारे बाटी के बना लेती हैं। तो आज का वीडियो हमारा बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। तो जो हमारे चैनल पर नए हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारा वीडियो आप लोगों के पास आसान तरीके से पहुंच जाए।
तो ये तरीके से सारे बाटी के बना लेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं आलू हमारा हुआ है कि नहीं। तो आलू हमारा बहुत अच्छा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो हम सारे आलू को निकाल लेते हैं। तो आलू और बैंगन का हम छिलका उतार लेती हूँ। हम लिए हैं महुआ का पत्ता, धो के अच्छे से सुखवा लिए हैं। तो हम यहीं पर बाटी बनाऊंगी। तो आप लोग हमारा वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यही तरीके से हम सारे बाटी के बनाऊंगी। तो हम सारे बाटी के आग पर रख देती हूँ। तो हम पलट देती हूँ फिर दूसरे तरफ। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा लिट्टी कितना अच्छा हुआ है। तो हम थोड़ा देरी और पका लेती हूँ। तो उधर हमारे बाटी पकने वाला है, तो इधर हम चोखा के तैयार कर लेते हैं। तो हम सरसों का तेल डाल देती हूँ। तो नींबू का रस हम गाड़ देती हूँ। नींबू का रस गाड़े से बहुत अच्छा स्वाद बढ़ जाएगा दोस्तों, चोखा हमारा बहुत अच्छा बनेगा। तो प्याज का काट डाल देती हूँ, हरी धनिया की पत्ती, मिर्चा, अदरक। तो स्वाद के अनुसार नमक। तो चोखा हमारा तैयार हो चुका है, अब इसको रख देती हूँ। तो बाटी हमारा हो चुका है, अब हम प्लेट में रख देती हूँ। तो बाटी हमारा कितना अच्छा लाजवाब बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। बाटी चोखा झटपट में बनके तैयार हो चुका है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।